يا أمة انتزعي لواء حضارة فالكون في تاريخ. उसके साथ साथ शाहीन बाग के औरत जो हम हाथ में झंडा पकड़ते हैं ना, वो झंडे को डिजाइन किए हुए सुरैया तैयब जी, ये सब लोग हमारे सामने गवाही दे रहे कि हमारी ताकत क्या है। इतने दिन हम लोगों को हमारी ताकत पता नहीं थी, हम रास्ते पे नहीं आए, हम आवाज नहीं उठाए। अब हमारी ताकत इतनी दूर पहुंच गई है इंटरनेशनल लेवल में, सिर्फ भारत में नहीं, दूसरे दूसरे देश में हमारे शाहीन बाग के लड़कियों का, हमारे शाहीन बाग के औरतों का चर्चा चल रहा है। ये बताता है हमारी हिम्मत क्या है, हमारी खूबियां क्या है। अब हम किट्टू रानी चेन्नम्मा को, सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा को, हजरत महल को, शाहीन बाग के औरतों को, लतीना फरजाना को, आयशा को, सुरैया तैयब जी को, बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को, हम सब एग्जाम्पल लेना है, हम बात करना है। जंगे आजादी में भी जब लड़कियां लोग बात करे, जब औरत लोग बात करे, जब औरत लोग कविताएं पढ़े, जब औरत लोग कविताएं लिखे, जब औरत लोग रास्ते पे आए, इनकलाब का नारा जब जू उठा, इनकलाबी हम लोग को मिली, आजादी हम लोग को मिली। अब मैं आप सबको बोलना चाहती हूँ कि आप सब मैं पकड़ो, तुम ना जो बोलने आता है संविधान के तौर पे, आपको जो मालूम हो रहा है, आपको जो टीवी में देख रहे हैं, आप जो हजरत साहब ने स्पीच किए यहाँ पे, इतने स्पीच सुने, उसको ही रिपीटेडली यहाँ पे बात करो। बात करते 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 आपका नॉलेज इम्प्रूव होगा। तो अब ऐसी हालत है, ये दूसरे जंग आजादी है, ये टाइम पे हम सब लोग बात करना है, आप सब लोग लीडर्स बनना है, कोई एक लीडर से नहीं होता है। मैं अमीश बदनूर साहब कितने दिन वहां से यहाँ को आकर बात करते, कितने बादल को कितने किस्से की शाहीन बाग को अटेंड कर सकते हैं, कितने बड़े बड़े प्रोग्राम्स को अटेंड कर सकते हैं, कितनी मेरे पास ताकत है उतनी। ये जो जंगे आजादी है ये क्या रिले जैसी, स्कूल में रिले खिलाते हैं ना, जब तक मुझे भागना होता है मैं उतनी दूर भागना, जो उसके सामने नेक्स्ट खड़ा हुआ है उसको मेरी लकड़ी पास करना, भागने चलाना। हमारी एक ही ये है, हमारे वतन को बचाने की, हमारे संविधान को बचाने की, हमारे राइट को, हमारे हक को बचाने की। तो अब रिले में मैं भागने से, मैं अकेली भागने से, रनीसा अकेली भागने से, रमेश बदनूर सर अकेले भागने से, काशिप अनवर सर अकेले भागने से कुछ नहीं होगा। अब भागने की, इनकलाबी के लिए, आजादी के लिए, जंग आजादी के लिए, जंग लड़ने के लिए ये बच्ची से लेकर वो नानी माँ तक तैयार होना है, ये बच्ची से लेकर वो नानी माँ तक संविधान के बातें बोलना जरूर है। आप सबको मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ, हम घर में क्या करते हैं, यहाँ से प्रोटेस्ट करा के जाते हैं, ये थोड़ा टीवी ऑन करना, टीवी ऑन करके सीरियल देखते बैठते, सीरियल पेट भी नहीं भराते, दिमाग भी नहीं भराते, है उसमें दिमाग खराब करते हो नहीं। कौन सी सास भी एक दिन बहू थी, चौथे चौथे वाली पुट्टा गौरी मधुबे, यही देखते ना। हाँ, ये छोड़ना है पहली बार, ये छोड़ के हमारे बच्चों को भी थोड़ा वक्त बिठा के एनडीटीवी में रवीश कुमार का प्राइम टाइम आता है 9 बजे, वो ऑन करके सब लोग देखना है। अगर आप हर दिन देखना शुरू किए तो 4 दिन में आप सब यहाँ पे, मैं जिस जो जगह पे खड़ी हूँ ना, वो जगह पे खड़े होकर जो वतन में चल रहा है, जो नाइंसाफी हो रही है, उसके खिलाफ आवाज उठा सकते। मुझे मालूम है किताब का पढ़ने के लिए दिक्कत होती है, किताबों पढ़ने के लिए घर के किताबों ही बहुत होते हैं, घर के काम ही बहुत रहते हैं। तो आप ये हर दिन ये आर एनडीटीवी देखने के लिए इस्तेमाल कीजिए। अगर किसी को किताबें पढ़ने की शौक है तो जरूर, पढ़े लिखे हैं तो संविधान के छोटे छोटे किताबें मिलते हैं 20 पेजेस 30 पेजेस के, वो किताबें लेके पढ़िए। एनआरसी एनपीआर सीए के बारे में भी परीक्षाएं आई हैं, शायद साहब ने आपको देखे, वो सब पढ़कर आप सब ताबेलू कूड़ा नायक आगेगादंत आवश्यकते ई ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆಗ್ತೀರಾ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಈಗ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಗಾಂಧಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು,
ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಮುಸಲ್ಮಾನ ಸಹೋದರರು ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಖುರಾನ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಹಿಡಿಯಲೇಬೇಕು. ನಾವು ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮಾಜಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಕೂಡ ಯಾರಿಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವರು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಲಂನಂತೆ ಅಥವಾ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಗ್ತಂತೆ ಹೇಳಿಕೊಡಲೇಬೇಕಾದಂತ ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಕಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಎರಡು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಎರಡು ನಾಯಕರಾಗ್ತೀರಾ? ಎರಡು ಮಾತಾಡಿ ಮಾತನಾಡು. ಇಸ್ಲಾಂ ಮೇ ಹೇ ಅಗರ್ ತೇರೆ ಸಾಮ್ನೆ ಕೋಯಿ ನಾ ಇನ್ಸಾಫಿ ಹೋ ರಹಿ ಹೈ ತೋ ಅಗರ್ ತೂ ಆವಾಜ್ ನಹಿ ಉಠಾಯಾ ತೋ ತುಜೆ ದುಗುನ ಗುನಾ ಮಿಲೇಗಾ. ಆಪ್ ಗುನಾ ಲೇತೆ ಹೋ ಯಾ ಇಸ್ಲಾಂ ಕೆ ತರೀಕೆ ಪೆ ಚಲತೆ ಹೋ ಜೋ ನಾ ಇನ್ಸಾಫಿ ಹೋ ರಹಿ ಹೈ ಉಸ್ಕೆ ಖಿಲಾಫ್ ಹಮ್ ಸಬ್ ಜರೂರ್ ಆವಾಜ್ ಉಠಾನಾ ಹಿ ಹೈ ಉಸ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಸಾಥ್ उसके साथ साथ इस्लाम के तौर पर ही अगर आपको इल्म हासिल करना है तो चीन को भी जाओ करके बोलते. सिर्फ लड़कियां जाना, सिर्फ लड़के जाना, अगर कोई बाइफर्केशन नहीं है तो इल्म हासिल करने के हक हमारी बच्चे को भी मिलना है, बच्चे को भी मिलना है, उसमें कोई फर्क नहीं होना है. हम सब हमारे सबके पास इल्म पहले से रहती तो आज हमें रोड में आपको बैठने की हालत, हमें गांव से गांव, गांव पे गांव ऐसी फिरने की हालत नहीं आती.